हाउसहोल्ड सर्वे का लिमिटलेस बेनिफिट है। अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, इतना साल अभी इंडिपेंडेंट का 75 इयर्स हो गया। 1972 को अरुणाचल प्रदेश घोषित हुआ, 1987 को हम लोग को फुल फ्लेज स्टेट मिला, स्टेट का कैपिटल है ईटानगर का, फिर भी हाउसहोल्ड सर्वे नहीं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाउसहोल्ड सर्वे होने का बहुत प्रकार का फायदा है। नंबर वन ये होगा कि हमको पता चलेगा ईटानगर में कितना आदमी बसता है और कैसे कैसे प्रकार का घर है, किस वार्ड में कितना घर है, कितना घर है तो सरकारी घर कितना है, प्राइवेट कितना है, कमर्शियल कितना है, रेजिडेंशियल कितना है और कितना किस गली में कौन घर है। सबसे पहले तो जो हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र को सबसे ज़्यादा फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारा एड्रेस और आपका क्रिमिनल को जहाँ में हाइड आउट है, जहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, इजीली आपको डिटेक्ट कर सकेगा। ये हाउसहोल्ड का फायदा है। दूसरा हाउसहोल्ड में ये फायदा है कि आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ये गली में कौन सा बिल्डिंग बना है, कौन सा रेसिडेंशियल है, कैसे कैसे एड्रेस में कौन आदमी बसता है, इसको भी हम लोग बारीकी से काम करेगा। और मेन चीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो डाटा मांगता है महुआ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री से, कितना घर स्वास्थ्य से लिंक है, कितना घर में बाथरूम बन गया, हर घर जल का योजना, जल शक्ति का, कितना घर वाटर कनेक्टेड है, कितना घर बिजली से कनेक्टेड है। देखिए, इससे अच्छा और अभियान नहीं हो सकता। ये समाज का, देश का अभियान है। ये हाउसहोल्ड सर्वे एक बार बन जाएगा आपको सरकारी काम करने में, प्रक्रिया में, योजना बनाने में सबसे इजी होगा। इसलिए हम लोगों ने जितना, यहाँ आप पीछे देख सकता है, वार्ड मेंबर्स को हम लोग अभी पावर दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग हाउसहोल्ड सर्वे करके सारा ईटानगर को हम लोग परिचित कर देगा सबको। दूसरा, हमको जो आदेश है क्लीन ग्रीन ईटानगर का मिशन में, हमको हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि जहाँ तहाँ जहाँ स्वास्थ्य करेगा, जहाँ तहाँ जो आपका थूकेगा, बोतल उतल जहाँ फेंकेगा, हमको पेनल्टी का पैसा का मार्किंग भी क्लियर किया हुआ। 2000 कहाँ देना है, 1500 कहाँ देना है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। इसलिए अभी हम एक बार हमारा हाउसहोल्ड हो जाने के बाद हमारा वार्ड मेंबर को हम अभी फुल फ्लो का साथ, ये एनजीटी को भी हम लोग फॉलो करेंगे, हाईकोर्ट को भी फॉलो करेंगे और ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी सही मायने में अभी चलाएंगे। इसीलिए हम लोग आज का ये प्रोग्राम बड़ा मात्रा में किया, सबको संज्ञान में लेते हुए सबको हम लोग इन्वॉल्व कराया। ये हमारा पेमा खांडू जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, हम सब पब्लिक का आशीर्वाद है। इस चीज़ का साथ हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मीडिया बंधु, आप लोगों को भी हम दिल से नमन करके हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये जब हम लोगों का हाउसहोल्ड सर्वे होगा डिफरेंट कॉलोनीज में, आप लोग काइंडली सपोर्ट करिए, ये इम्पोर्टेंट मिशन है। मैम, वही आपको बताना चाह रहा है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स बहुत है अभियान। अभी जैसे आपने बोला, हम अपना स्वास्थ्य से कनेक्टेड को तो हम काम निकाल लेंगे, किस कॉलोनी कहाँ तक रास्ता कनेक्टेड है, कौन रास्ता, आप लोग कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, ये अपना ड्रेन आउट हो गया, ये ब्रिज गिरने वाला है, ये कालबाट गिरने वाला है, ये हालत में नहीं है, ये समर में ये इशू होगा। अभी का ये हाउसहोल्ड डाटा में सारा कैपिटल सिटी का डाटा निकलेगा। ये सिर्फ IMC के लिए नहीं बोल के PWD वालों के लिए, RWD वालों के लिए भी, खास करके लॉ एंड ऑर्डर SP ईटानगर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि ड्रग्स लेके कहाँ हाइड आउट किया, कौन सिटी में कौन नया घुसा है। और जैसे हम बनाएगा, ये एक घर है, वो मिस्टर XYZ, ये ट्रेवल आदमी, एक निशी आदमी का घर है, उस घर में कौन कौन रेंटेड है, कौन कहाँ से आया, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन भाड़ा लिया है, कौन कौन कमर्शियल वाला है, वो भी हम लोग बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, क्राइम रेट कंट्रोल इन दी सेंस, क्राइम रेट को बोले तो आप, इसका भी एक अलग अलग आर्गुमेंट है। अभी ड्रग्स एडिक्ट वाला भी बहुत ही माने अपना एंटी सोशल एलिमेंट में आता है, और उसका बाद बर्गलर भी आता है, चोरी करने वाला भी आता है, मर्डरर भी होता है, और जो थेफ्ट वाला भी आता है, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है, गलत काम करने वाला है,
गलत एड्रेस लेके कहाँ बेचता है, इसलिए हम इजी एड्रेस के लिए यही काम सबसे इम्पोर्टेंट है, फायदा में। देखिए हम लोगों ने ग्राउंडेड होके आज हर वार्ड का वार्ड मेंबर को बुलाया। एक वार्ड में पकड़ लीजिए, मेरा वार्ड नंबर 17 है, उसमें मेरा 8 मेंबर्स है। 8 मेंबर्स को हम लोग 8 भाग में बांटा हुआ है। एक मेंबर्स जो है, ये घर में आज कौन बीमार हुआ, कौन मोदी जी का गरीब कल्याण अन्न योजना को लिया, कौन कोविड का वैक्सीन लिया नहीं लिया, कहाँ आज बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ, कहाँ आज बेटी पैदा हुआ बेटी का फायदा होगा, ये पीछे वाला लोग हर कोई जानता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और सही आदमी को हम लोग सही काम लगा रहे हैं IMC, तो वो लोग घर घर को जानता है। आज कहाँ फायदा, आज घर पे रात में मियां बीवी कहाँ झगड़ा हुआ है, वो भी वो लोग जानता है। इसलिए ये डिटेल डाटा वो लोगों से लेके हम लोग सिस्टम में अपलोड करेंगे, इंटरनेट में जाएंगे, ये सबके लिए फायदा मंद होगा, और उससे ज्यादा हम बता भी नहीं सकता, इतना अच्छा बात है।